एक झूठा केस, बेबुनियाद आरोप और 20 साल की सजा। वर्ष 2000 से SC ST एक्ट के तहत जेल में बंद आरोपी को 20 साल बाद किया गया बरी। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि कैसे SC ST एक्ट कानून के दुरुपयोग ने एक निर्दोष से उसके बहुमूल्य 20 साल छीन लिए और क्यों इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। किसी देश का कानून व्यवस्था को बनाए रखने और समाज में शांति का माहौल बनाने में मदद करता है, लेकिन जब किसी कानून का इस्तेमाल एक वर्ग द्वारा अन्य वर्ग के विरुद्ध अपने फायदे के लिए होने लगता है तो फिर उस कानून में बदलाव की आवश्यकता होती है। पिछले दिनों एक खबर आई कि एक व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत बलात्कार के आरोप में 20 वर्षों से कैद में था, जो अब जाकर निर्दोष साबित हुआ है। आखिर हमारे देश का कानून किस प्रकार से उस व्यक्ति के गुजरे हुए 20 वर्ष वापस कर सकता है? या तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे ना जाने कितने उदाहरण देश में भरे पड़े हैं जो न केवल ये दिखाते हैं कि कैसे SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल आपसी रंजिश के कारण भी किया जा रहा है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी जैसे आरोपों के कारण 20 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को आरोप मुक्त किया है। डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर और गौतम चौधरी की पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जो झूठे बलात्कार और दलित अत्याचार मामले में 20 साल से अधिक समय तक जेल में रहा। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पाया कि घटना की तारीख यानी 16 सितंबर 2000 से आरोपी जेल में है, यानी 20 साल से। अब जाकर कोर्ट ने तथ्यों और चिकित्सक रिपोर्टों को सुनते हुए मामले को खारिज कर दिया है और आरोपी को आपसी रंजिश का शिकार पाया। मेडिकल रिपोर्ट्स में चोटों और यौन हमले का कोई संकेत नहीं है। इसके अलावा अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत एक ही मकसद के कारण किया था। दोनों पक्षों के बीच पहले से भूमि विवाद था, जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने यौन उत्पीड़न के मामले को दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोहराया कि अगर कोई भूमि विवाद में है तो उस व्यक्ति के खिलाफ SC ST अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट के अनुसार हमारी जांच पड़ताल में चिकित्सा प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि डॉक्टर को किसी भी प्रकार का शुक्राणु नहीं मिला था। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जबरन संभोग का कोई भी संकेत नहीं मिला और न ही किसी प्रकार की अंदरूनी चोट थी। रिकॉर्ड पर तथ्यों और सबूतों के मद्देनजर अदालत ने आश्वस्त किया था कि आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है, इसलिए लगाए गए फैसले और आदेश को बदलकर आरोपी को बरी कर दिया जाए। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बताया था कि 2016 में SC ST एक्ट के अंदर 8900 केस गलत थे। राजस्थान पुलिस के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 2020 में राजस्थान के अंदर 40% से अधिक मामले फर्जी पाए गए। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में कहा था कि ये निर्दोष नागरिकों और पब्लिक सर्वेंट को ब्लैकमेल करने का एक साधन बन गया है। 1989 अधिनियम जातिवादी अपमान को दंडित करता है और यहाँ तक कि संदिग्ध अपराधियों को अग्रिम जमानत भी नहीं देता था। पर फिर अदालत ने कहा कि कानून का इस्तेमाल केवल शिकायतकर्ता की शिकायत मात्र से आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लूटने के लिए किया जाता है। न्यायमूर्ति गोयल ने तब लिखा कि यदि अभियुक्त प्राइमा फेशिया के तहत यह साबित करने में सक्षम हो कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तो उन्हें अग्रिम जमानत की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी देखा जाए तो इस कानून का जितना उपयोग होता है उससे कहीं अधिक दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति के जीवन का 20 वर्ष जेल में ही गुजर गया, वो भी केवल आरोपों के बनाम पर। इससे बड़ी विडंबना शायद ही हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने संज्ञान लेकर अब शिकायत मात्र से जेल वाली प्रथा तो समाप्त कर दी है, लेकिन अभी भी इस कानून में सुधार की आवश्यकता है, जिससे न सिर्फ SC ST एक्ट का भला हो बल्कि आम नागरिकों का भी भला हो।